वहीं जनपद रुद्रप्रयाग के क्रौंच पर्वत में विराजमान कार्तिकेय स्वामी मंदिर में बुधवार को भव्य 108 बालमपुरी शंख पूजा और हवन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पर्यटन विभाग के विशेष कार्याधिकारी भास्कर खुलबे, अपर सचिव युकाड़ा सी रविशंकर, जिलाधिकारी सौरभ गहलवार और दक्षिण भारत से आए शिवाचार्य और गुरुजनों द्वारा पूजा अर्चना की गई। इस दौरान ड्रोन कैमरे के माध्यम से श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा भी की गई, साथ ही मंदिर को फूलों से सुंदर तरीके से सजाया गया। आपको बता दें कि दक्षिण भारत में कुमार कार्तिकेय स्वामी की विशेष महत्व से पूजा अर्चना की जाती है, जबकि उत्तर भारत में कार्तिकेय स्वामी का एकमात्र मंदिर रुद्रप्रयाग में स्थित है। इस अवसर पर विशेष कार्याधिकारी भास्कर खुलबे ने कहा कि विकास की सीमा जो हमने कभी तय नहीं की है, उनको पाकर चारधाम और कार्तिकेय स्वामी मंदिर में ऐसा परिवेश बनाएंगे जिससे हम सबको आस्था, भक्ति और प्रेम का संगम मिले। इसी क्रम में जिलाधिकारी सौरभ गहलवार ने कहा कि कार्तिकेय स्वामी मंदिर में इस तरह से कार्यक्रम कराने का मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करना है। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। आज यहाँ कार्तिक स्वामी जी के दर्शन द्वारा यहाँ पूरे स्कूल के छात्र छात्राएं उपस्थित हुए हैं, जो कि यहाँ हम इस कारणवश उपस्थित हुए हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा, यहाँ 108 बालमपुरी शंखों द्वारा दक्षिण भारत के पंडितों द्वारा पूजा की गई है, जिसके शुभ अवसर पर हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जैसा कि हमें यहाँ बहुत अच्छा लगा, और आप सब से हम यही आशा करते हैं कि अधिक से अधिक मात्रा में आप हमारे इस गांव के मंदिर में उपस्थित हों, अधिक से अधिक जनसंख्या में यहां पर उपस्थित हों। देखिए, जिस शंख की आपने बात की, वो शंख अपने आप में विशेष है। जब चार शंख पैदा होते हैं तो उनमें से एक ये वाला होता है, जिसको हम लोग यहाँ पे दक्षिणमुखी शंख कहते हैं। उस शंख से अभिषेक अपने आप में ही एक अनूठी पूजा मानी जाती है। और आप देख रहे हैं, तमिलनाडु के 6 विशिष्ट मुरुगन मंदिरों से आए हुए प्रतिनिधियों ने यहाँ आज पूजा अर्चना की। आप देखिए, दक्षिण और उत्तर का जल एक साथ मिलकर के कार्तिकेय मंदिर को चढ़ाया गया। इससे सुंदर अभिषेक और हो क्या सकता। ये 108 बालमपुरी शंखों के द्वारा जो ये आज पूजा हुई, ये पिछले साल से शुरू हुई थी, जो पिछले साल 16 मई को हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य मैं ये बताना चाहूँगा कि दक्षिण भारत को उत्तर भारत से जोड़ना है। जैसे कि हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने एक ये ठानी थी मन में कि उत्तर और दक्षिण एक हो जाए, तो उत्तर भारत का ये क्रौंच पर्वत नाम कार्तिक स्वामी का एकमात्र मंदिर है। तो हमारे जो पर्यटन विभाग है, हमारे उत्तराखंड की सरकार है, और इस बार तो हमारे माननीय जिलाधिकारी जी ने इतना क्या कह सकते हैं, उस घर से सारे वस्त्र लेके आके इस यहाँ पे अपने कार्तिक स्वामी को सौंप के यहाँ से वो वस्त्र लेके जाके उनके ऊपर लगाने का ये पूरा प्रयास हो रहा है। ये हम करीब 3 साल से कर रहे हैं। लास्ट ईयर भी हमने किया था, 108 वालमपुरी शंख का पूजा यहाँ पे करवा के सारे पीठाधिपतियों को बुलवा के यहाँ पे बहुत बड़ा कार्य करवाया था कि ये जगह ऐसा है कि ये 5वें धाम की तरह शायद प्रसिद्ध हो आगे, ऐसा हमारा बहुत विचार है। क्योंकि बहुत सारे अभी मलेशिया से, बाकी फॉरेन कंट्री से भी बहुत लोग आने की कोशिश में है। यहाँ पे हम प्रोपेगेंडा कर रहे हैं इस जगह की, क्योंकि इस जगह का महत्व इतना ज़्यादा है कि लोगों को यहाँ पे आएंगे तो बहुत सारे चीज़ें, इतनी चीज़ें मिलेंगी कि कार्तिक स्वामी के बारे में बहुत कुछ यहाँ मिलने को। और ये साउथ और कर्मभूमि और देवभूमि से हम जोड़ने का प्रयास, जैसे आदि शंकराचार्य ने पहले किया था।